मूवी के शुरुआत में हम एक सुनसान से बड़े घर को देखते हैं, जो कि देखने में तो काफी अच्छा दिख रहा था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये घर पूरे जंगल के बीच बीच था। और फिर उसके बाद वहाँ पर हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो इस घर का ओनर है, आज उसके बेटे टैन का जन्मदिन था, तो इसी वजह से जो आज घर का माहौल था वो काफी अच्छा था बाकी दिन के मुताबिक। खैर, यहाँ पे हम तभी एक औरत को देखते जो कि और कोई नहीं बल्कि टैन की माँ थी। उसके फेस में हम बिल्कुल भी खुशी को देखते नहीं, उसके मन में किसी बात का तो डर बैठा हुआ था इस घर को लेके। यहाँ पे टैन के फादर सभी को खुशी खुशी बता रहे थे कि वो घर उन्हें बहुत ही सस्ते में पड़ा, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये घर आखिर उनको सस्ते में क्यों मिला। उन्होंने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं था घर लेने से पहले। लेकिन वही दूसरी तरफ हम टैन की मॉम को देखते हैं, जिसे जरूर कुछ तो पता चला था इस घर के बारे में, लेकिन अभी भी वो कंफर्म नहीं थी उस बात को लेके। तो इसलिए हम देखते कि वो सच अभी तक उन्होंने सबसे छुपाया हुआ था। वो बस खुद से बस इतना कह रही थी कि जो भी मैं सोच रही हूँ वो प्लीज गलत हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब इसके बाद मूवी का सीन पूरे 10 साल आगे जाता है, जहाँ पर हम एक इंसान को देखते हैं जो कि कोमा से जस्ट बाहर निकला था, और हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद टैन था। उसके साथ पिछले 10 साल से हुआ क्या था और उसकी फैमिली कहाँ पर गई, ये सभी के बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं जाता। हमें बस इतना बताया जाता है कि पूरे 10 साल के बाद अब जाके टैन होश में आया था। उसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से कोई स्ट्रेंजर आके उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अब इस मोमेंट में हमें टैन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता कि आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था 10 साल पहले, और उसके मॉम एंड डैड कहाँ पर गए। ये सभी चीज का खुलासा कुछ ही दिन में हो जाएगा। खैर, इसके बाद हमें पता चलता है कि टैन भी अपना याददाश्त पूरी तरीके से भूल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ 10 साल पहले क्या हुआ था और उसकी फैमिली कहाँ पे गई। तो इसी वजह से हम देखते कि अब वो हॉस्पिटल में काम करना चालू कर देता है कुछ पैसे कमाने के लिए, और वो अपने फ्री टाइम में हमेशा अपनी फैमिली और अपने बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करता था। और इसी तरह हम देखते कि एक दिन जब वो अपने फैमिली के बारे में और कुछ अपने बारे में रिसर्च कर रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि टैन मेरे पास देखो। और जैसे टैन पीछे मुड़ता है तो वहां पे उसे कोई भी दिखाई देता नहीं, लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि एक न्यूज अचानक से उसके सामने आ जाता है, जहां पर लिखा गया था कि कुछ साल पहले एक फैमिली की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी थी। और तभी हमें पता चलता है कि ये फैमिली और कोई नहीं बल्कि टैन के खुद के मॉम एंड डैड थे। और इसके साथ ही साथ वहां पर हम उसी हॉन्टेड घर को भी देखते हैं जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तभी टैन को अपनी कुछ पुरानी यादें याद आना चालू हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद ये मेरा घर ही है। इस फोटो को देखने के बाद अब जो उसकी याददाश्त थी वो धीरे धीरे वापस आना चालू हो रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्रेश होने के लिए नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन नहाते समय उससे अपनी बॉडी में एक बहुत ही बड़ा कट दिखाई देता है, जिसे देखने के बावजूद भी उसे कुछ याद आता नहीं कि आखिर वो निशान उसके बॉडी में कैसे आए। अब यहाँ से निकलने के बाद वो डायरेक्ट जाता है डॉक्टर के पास और उससे पूछने लगता है कि आखिर मेरा बैकग्राउंड क्या है। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुछ छुपा रहे थे उससे। तो टैन अपने डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे किसने यहाँ पे लाया था, जिसके रिप्लाई में डॉक्टर उसे सब कुछ सच बता देती है कि 10 साल पहले कोई स्ट्रेंजर तुम्हें यहाँ पे लाया था। हम उससे दोबारा कॉन्टेक्ट कर पाते उससे पहले वो वहाँ से गायब हो चुका था। हमारे पास ना ही वो इंसान का कोई कॉन्टेक्ट नंबर है ना ही उसका कुछ एड्रेस। अब यहाँ पे टैन उससे कहता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे इस हॉस्पिटल से निकल के बाहर अपनी फैमिली और अपने बैकग्राउंड के बारे में पता करना है। जिसमें हम देखते हैं कि वो डॉक्टर बताती है कि तुम अभी पूरी तरीके से 100% रिकवर नहीं हुए हो, और अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ से जाओगे, जिसके बाद हम तुम्हें वापस अपने हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं करेंगे, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। यह सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि टैन ने फैसला कर लिया था कि वो अपने फैमिली और अपने बैकग्राउंड को पता करके देगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल से फाइनली बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही वो सबसे पहले उसी घर के पास जाता है जो कि उसने हॉस्पिटल में देखा था। यहाँ पे पूछने के बाद उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम था बाओ, और बाओ उसे देखते ही पहचान जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि इसी घर के ओनर का बेटा टैन है। वो उसे देख के काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुम इतने सालों से कहाँ पे थे टैन।
तुम्हारी याद में तुम्हारी बहन और तुम्हारी फैमिली पूरी तरीके से टूट चुकी है। और तभी हमें पता चलता है कि बाओ और कोई नहीं बल्कि इसी घर की केयर टेकर थी, जो कि काफी सालों से इसी घर में थी। वो उससे कहती कि चलो मेरे साथ, तुम्हारी बहन कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टैन फाइनली उसी घर के अंदर आ जाता है उसके साथ। यहाँ पे पूछने के बाद टैन देखता है कि उसके सामने उसकी बड़ी बहन टुपटिन खड़ी थी और इसके साथ ही साथ उसके मंगेतर और उसके दो बच्चे को भी देखते हैं। इस मोमेंट में टैन पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं था कि वो उसकी बड़ी बहन है भी कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हम टुपटिन को देखते हैं जो कि टैन को देखते ही पहचान जाती है कि उसका छोटा भाई काफी सालों के बाद वापस आ गया है। वो काफी जोर से टैन को हग करती है और यहाँ पे हम सच में टुपटिन के फेस में हंसी को भी देखते हैं, जो कि फेक हंसी बिल्कुल भी नहीं था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे टैन अपनी बड़ी बहन से सवाल करता है कि हमारे मॉम एंड डैड कहाँ पर गए। लेकिन हम देखते हैं कि टुपटिन इस बात को घुमा के उससे उल्टा सवाल करने लगती है कि तुम कहाँ पे थे इतने सालों से, जिस पे टैन उसे बताता है कि मैं पिछले 10 साल से कोमा में था और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि आखिर वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये सुनते ही हम देखते हैं कि टुपटिन का जो फेस का रिएक्शन था वो बदल जाता है, यानी कि उसे कुछ तो पता था ये एक्सीडेंट के बारे में, जो कि वो सभी से छुपा के रखी है। अब इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि अपने सवालों के जवाब ना मिलने की वजह से वो डायरेक्ट वाओ के पास आता है और उससे पूछता है कि हमारे मॉम एंड डैड कहाँ पर है और आपको तो अच्छे से पता होगा कि इस घर में क्या हो रहा है, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं कि अब जाके थोड़ा सच हमारे सामने आता है। वो बताते कि तुम्हारे डैड ने एक दिन पता नहीं क्यों सुसाइड कर लिया था और फिर उसके बाद तुम्हारी मॉम अचानक से कहाँ पे गई उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं। इसके साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि जो टुपटिन के हस्बैंड है उसका नाम है च्विन और च्विन के साथ जो तुमने दो बच्चे देखे वो एक्चुअली टुपटिन के बच्चे है नहीं, मतलब कि जो टुपटिन के हस्बैंड च्विन थे उनका एक पहले शादी भी हो चुका है और वो दो बच्चे च्विन के थे ना कि टुपटिन के। यहाँ पे जब तुम्हारे डैड ने सुसाइड कर लिया और जो तुम्हारी मॉम थी वो अचानक से गायब हो गई, उसके बाद इस घर को बेचा जा रहा था एक ऑक्शन में और तभी वहाँ पे च्विन ने इस घर को ले लिया था और उसी नीलामी में च्विन ने इस घर को खरीद लिया था, जिसके बाद तुम्हारी बहन टुपटिन और च्विन की शादी हुई और अब जाके इस घर के जो रियल ओनर है करेंट टाइम पे वो और कोई नहीं बल्कि च्विन और तुम्हारी बहन टुपटिन है। तो यह सब पूरा सच था जो कि 10 साल में हुआ था जब टैन कोमा में था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी सच्चाई थी जो कि उस केयर टेकर ने टैन को बताया नहीं था और यह सच्चाई के बारे में हम कुछ ही देर में जानेंगे। अब इसके बाद मूवी का सीन डायरेक्ट रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि टैन सोने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ पे वही दो बच्चे आ जाती है और अब जाके हमें इनका नाम पता चलता है जो कि था जैन और जून। ये नाम कम सीजन के मंथ ज्यादा लग रहे थे। खैर तभी हम देखते हैं कि टैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता ये लोग से, लेकिन तभी यहाँ पे टैन नोटिस करता है कि जो दो लड़की थी वो दोनों भी टुपटिन को जरा भी लाइक करती नहीं थी, यहाँ तक कि जो जून थी वो कहती कि मुझे टुपटिन जरा भी पसंद नहीं है, वो हमारी माँ नहीं है। ये सभी चीज़ें टैन को काफ़ी अजीब लगते, लेकिन वो इस बात में जरा भी ध्यान देता नहीं। उसे लग रहा था कि शायद ये बेटी और माँ के बीच का मामला है तो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जैन के साथ खेलने लगता है और यहाँ पे जैन भी बहुत ही मजे से उसके साथ खेली थी, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से टैन को जैन की आंखों में एक ईवल स्पिरिट दिखाई देती है और इस मोमेंट से हम देखते हैं कि इस घर की पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो चुकी थी। टैन को यहाँ पर ईवल स्पिरिट दिखाई देना चालू हो गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब टैन नहाने के लिए जाता है तभी वो देखते हैं कि जो उसके बॉडी में कट था उसमें से खून निकलना चालू हो जाता है, लेकिन वही दूसरी पल अचानक से वो खून बंद भी हो गया था। ये सभी चीज को देख के टैन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, कभी उसको इविल स्पिरिट दिखाई देती है या फिर कभी उसको खून दिखाई देता है, लेकिन एक मिनट के अंदर वो सभी के सभी गैप भी हो जाते हैं। तो टैन ये सभी बात को सीरियस लेना चालू कर देता है। इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग डिनर में बैठे हुए थे और इस बार हम देखते हैं कि टैन की जो बहन थी टुपटिन उसने अपने हाथों से अपने भाई के लिए खाना बनाया था, लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि जो दो लड़की थी वो अचानक से खाना खाने से मना कर देती है। ये सब देखती है जो टुपटिन थी वो अचानक से गुस्सा हो जाती है और वो उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से भड़कती है, जैसे कि वो उसकी सगी माँ है। वो उनको बहुत ही बुरी तरीके से सभी के सामने चिल्लाती है और उनसे कहती कि चुपचाप खाना खाओ, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों बेटी भी उसकी बात सुनते नहीं और इसी चीज को हैंडल करने के लिए हम देखते हैं कि फाइनली च्विन वहाँ पे कुछ बोलता है
वो केयरटेकर से कहता है कि ये दोनों को अपने साथ ले जाओ, और इसके साथ ही साथ वो टुपटिन से भी कहता है कि तुम्हारा इस तरीके का बिहेवियर चलेगा नहीं, तुम गुस्सा करो लेकिन एक लिमिट तक। और इतना बोल के वो भी खाना छोड़ के वहाँ से चला जाता है। ये सभी चीज़ें टैन को नोटिस होता है कि उस घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी, हर जगह बस कलेश से छोटी छोटी बातों को लेके। और जिस घर में ज्यादा कलेश होता है तो उस घर में भूत प्रेतों का वास तो होता ही है। तो यहाँ पर इस घर के जो लक्षण थे वो कुछ ठीक नहीं थे, और ये चीज़ टैन अच्छे से नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टैन वहाँ से डायरेक्ट अपने कमरे में जाता है सोने के लिए, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने कमरे के बाहर से किसी की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई वहाँ पे फांसी लगा रहा है। वो तुरंत वहाँ पे चेक करता है लेकिन तभी उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई देता नहीं। लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पर केयर टेकर दिखाई देती है, जो कि यहाँ पे आई थी टैन को सावधान करने। वो टैन को बताती है कि इस घर के कुछ नियम और कायदे हैं जो कि आपको फॉलो करना है, यानी कि तुम्हें सोने से पहले प्रार्थना करना होगा, और जब तुम सोओगे तो आधी रात में इस कमरे से बाहर निकलना मत, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। टैन यहाँ पे उससे पूछने लगता है कि आखिर ये सब के पीछे का कारण क्या है, क्यों हम रात को आधी रात में घर से बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन वो केयर टेकर उसे कुछ भी बताते नहीं। और इसी बीच टैन वहाँ पे जैन को देखता है, जो कि एक दीवार से अपने सर को फोड़े जा रहा था। वो तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि जैन तो नींद में चल रहा था, जिसके बाद टैन उसे छोड़ने के लिए उसके कमरे तक जाता है। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद जैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आज रात के लिए आप मेरे साथ रह सकते हो क्या, मुझे पता नहीं अचानक से मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तो एक रात के लिए आप मेरे पास रुक सकते हो क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टैन उसकी बात मान के उसके कमरे में सो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टैन को आधी रात में एक सपना आता है, और उस सपने में हम टैन के फादर को देखते हैं, जो कि उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वहाँ पे जो जैन था वो है नहीं। वो तुरंत जैन को ढूंढना चालू कर देता है, तो वो देखता है कि जैन तो किसी के साथ एक गेम खेल रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ वो देखता है कि जो जून थी वो उसी बेड के नीचे छुपी हुई थी। वो टैन से कहती कि जो मेरा भाई जैन है वो एक इविल स्पिरिट के साथ गेम खेल रहा है, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं कि टैन हंसते हुए कहता है कि इविल स्पिरिट और भूत प्रेत जैसी कुछ बात होती नहीं, वो सभी चीज़ें कहानी में अच्छी लगते हैं, यहाँ पे नहीं। और इतना बोल के वो वहाँ पे चला जाता है जैन को होश में लाने के लिए। और जैसे हम देखते हैं कि जैन होश में आता है तो वो भी तुरंत जून के पास भाग के बेड के नीचे आ जाता है, और इस मोमेंट में हमें पता चलता है कि वहाँ पे सच में एक इविल स्पिरिट था, जो कि बस बच्चे लोग को दिख रहे थे। टैन के ऊपर अचानक से कोई चादर डाल देता है, और ये देखने के बाद वो दोनों भी बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन तभी टैन उसमें से निकल के कहता है कि देखो यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, देखो मेरे आसपास कोई है क्या अभी। लेकिन इसी बीच हम वहाँ पर उसी पर्दे के पीछे एक इविल स्पिरिट को देखते हैं, और ये देखते ही दोनों भी बच्चे डर के मारे तुरंत वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाते हैं, जिसके बाद टैन अब वो लोग के पीछे जाने लगता है। बाहर निकलते टैन अपने सामने वाओ को देखता है, जो कि और किसी से नहीं बल्कि च्युइन से बातें कर रही थी, और वो च्युइन को एक खाली ग्लास देती है, जिसके अंदर च्युइन किसी तरीके का कुछ पाउडर डाल के अपने साथ ले जाता है। ये देखते ही टैन को काफ़ी अजीब तो लग रहा था, यह सब देखने के बाद टैन को काफ़ी अजीब तो लग रहा था, लेकिन उससे भी मेन थे जैन और जून को ढूंढना, तो वो तुरंत वो दोनों बच्चियों को ढूंढने में लग जाता है। अब दूसरी तरफ हम टुपटिन को देखते हैं, जो कि काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करी थी। उसने जो मेकअप किया था वो काफ़ी पुराना जापानीज तरीके का मेकअप था, जो कि बहुत ही पहले किया जाता था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो किसी और के वश में है, और तभी अचानक से हम देखते हैं कि च्युइन वहाँ पे आ जाता है, जो कि उससे झगड़ा करना चालू कर देता है, और वो दोनों की भैंस की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी टैन को। लेकिन टैन अब भी वो दोनों के बीच में आता नहीं, और वो जून और जैन को ढूंढना चालू कर देता है। उसे लग रहा था कि जो मामूली झगड़े होते घर में भी वही झगड़ा ये दोनों के बीच हो रहा है, तो वो उस बात को इग्नोर करके वो दोनों बच्चियों को ढूंढने में लग जाता है। और इसी बीच तभी टैन को अपने सामने और कोई नहीं बल्कि च्युइन दिखाई देता है, जिसके हाथ में पिस्टल थे। ये देखते ही टैन तुरंत वहाँ से भागते अपनी जान बचा के, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ च्युइन भी उसके पीछे पड़ गया था, और फाइनली उसके कमरे में आके उसे वार्न करता है कि अगर तुमने अपने कमरे से एक भी कदम बाहर निकाले तो फिर सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मूवी का सीन शिफ्ट होता है वाओ के ऊपर, जो कि उसी घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने भी वो इविल स्पिरिट को देख लिया था, तो वो तुरंत अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है,
लेकिन जैसे वो घर से बाहर निकलने वाली थी तभी मेन मोमेंट में हम देखते हैं कि चुई वहाँ पे आके उसे शूट कर देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस घर की केयर टेकर ऑन द स्पॉट मर जाती है। ये सभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टैन ये सब देख लेता है। वो तुरंत वापस से उसी घर के अंदर जाता है लेकिन घर के अंदर आने के बाद वो देखता है कि जून और जैन की भी मौत हो चुकी है। वो दोनों की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई थी। ये सब देखते ही वो और भी डर जाता है और डर के मारे तुरंत अपनी जान बचा के वापस से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पे वो चियोन को देखता है जो कि अचानक से पता नहीं घर के अंदर आ चुका था और वो यहाँ पर टैन के सामने खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है। ये देखते ही टैन अब पूरी तरीके से घबरा चुका था। वो डर के मारे उसी घर से बाहर भागने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट घर के गेट तक भी आ जाता है लेकिन जब वो उसी गेट के बाहर निकलता है तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यानी कि जैसे वो घर से बाहर निकलता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि टाइम वापस रिवर्स हो जाता है। मतलब कि वो उसी समय में पहुंच गया था जिस दिन वो इस घर में पहली बार आया था। और यहाँ पे हम वाव को देखते हैं जो कि उसका वेलकम करती है जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था। वो जब जब घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तब तक वो घुमा फिरा के वही टाइम पीरियड में वापस आ जाता था। यह सब देखने के बाद अब टैन पूरी तरीके से समझ चुका था कि वो उसी घर के मायावी जाल में फंस चुका है। वो जब भी उसी घर के बाहर कदम निकालता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो घुमा फिरा के उसी टाइम पीरियड में वापस आ जाता है जब वो स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था। ये सबसे हम देखते हैं कि अब उसकी जो हिम्मत थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो फाइनली हार मान के उसी घर के अंदर चला जाता है। जैसे वो फिर एक बार घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि जो उसकी बहन थी वो फांसी लगा के एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई है। और इतना सब कुछ देखने के बाद अब वो पूरी तरीके से पागल हो रहा था। वो तुरंत उसी घर के अंदर भागता है अपनी जान बचा के। और घर के अंदर आने के बाद वो नोटिस करता है कि हॉल में एक खुफिया दरवाजा बनाया गया था तो वो तुरंत उसी दरवाजे की तरफ जाता है जो कि ऊपर का साइड था। और जैसे वो दरवाजे के अंदर जाता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक कमरे के अंदर बंद है और उसी कमरे के अंदर उसे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें दिखाई देती है जिसमें हम देखते कि एक वीडियो फुटेज भी था। और वो तुरंत उसी वीडियो फुटेज को प्ले करता है जिसके बाद अब जाके हमें पूरा सच्चाई पता चलता है कि आखिर इस हॉन्टेड मिस्टीरियस घर का राज क्या था। यहाँ पे हम सबसे पहले एक औरत को देखते हैं जिसका नाम था चॉम और वो इस घर की सबसे पहली ओनर थी जिसने ये घर को बनाया था। वो अपनी वीडियो में कहती कि मैंने इस घर को बहुत ही प्यार से बनाया है लेकिन कुछ पैसों की कमी की वजह से उसे वो घर को बेचना पड़ रहा है। इस घर के बनते अचानक से जो उसके बैड लक थे वो चालू हो चुके थे। वो बताती है कि मुझे पैसों की अभी बहुत ही नीड है और इसी वजह से मैं इस घर को बेचने जा रही हूँ। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो उसी घर को एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को कम प्राइस में बेच देती है। लेकिन जाते समय उसने उसी घर के ऊपर एक कर्ज को लगा दिया था यानी कि वो घर को एक श्रापित घर उसने बना दिया था। मतलब कि उसने वो घर को बहुत ही प्यार से बनाया था तो वो नहीं चाहते थे कि ये घर वो छोड़ के जाए लेकिन उसके घर के माहौल की वजह से उसे ये काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अपने साथ सभी के सभी लोगों को वहाँ पे सुसाइड करवा देती है ताकि इस घर में जितने भी लोग आए वो कभी भी इस घर में सुखी और खुशी नहीं रह पाए। और अब जाके हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में हमने टैन की मॉम को उदास क्यों देखा था। उसने उसी इविल स्पिरिट को देख लिया था जो कि इस घर में हमेशा से रहती थी। और अब जाके टैन को पूरी बात समझ में आता है कि आखिर इस घर का सच क्या था। जिसके बाद टैन उसी कमरे से बाहर निकलता है और अब जाके टैन को पूरा सच पता चलता है कि आखिर उस रात वहाँ पे हुआ क्या था। यहाँ पे वो देखते हैं कि वाव एक खाली गिलास देती है चियोन को जिसके बाद चियोन उस गिलास में बेहोश वाली नींद की गोली मिला देता है। और फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी टोपटिन को वो नशे वाली गोली खिला देता है जिसके बाद टोपटिन बेहोश हो जाती है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पर एक पंडित को बुलाता है। इस मोमेंट में हमें पता चलता है कि जो चियोन था उसे सब कुछ पता चल गया था कि इस घर में एक इविल स्पिरिट रहती है और वही इविल स्पिरिट उसकी पत्नी टोपटिन के बॉडी में कब्जा डाल चुकी है। तो इसलिए वो अपनी पत्नी को आज़ाद करने के लिए एक पंडित का सहारा लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चौं की आत्मा थी वो काफ़ी ताकतवर थी उसी पंडित से। वो सबके सामने उसी पंडित को जिंदा जला देती है अपनी ताकत से। เคลื่อนโมคลายพุทธไทย
जिसे देखते ही तुरंत चियाओ उसी कमरे से बाहर भागता है और इसके साथ ही साथ टैन भी उसी कमरे से बाहर निकलता है। अब वहां से निकलने के बाद वो नीचे की तरफ पहुंचता है जहां पे वो देखता है कि जो वाव थी वो जान बचा के भाग रही थी और पीछे से तभी चियाओ ने उसे शूट कर दिया था। वो देखता है कि जो चियाओ था वो वाव में उसी इविल स्पिरिट को देखता है और फिर उसे देखने के बाद वो वाव को उसी इविल स्पिरिट समझ के जान से मार देता है। यह सब देखने के बाद अब टैन को सब कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं थी बल्कि वो इविल स्पिरिट सभी को धोखे से मारी थी। अब यह सब के बाद हम देखते हैं कि जो चियाओ था वो तुरंत घर के अंदर भागता है। घर के अंदर पहुंचने के बाद वो देखता है कि जो उसके दो बच्चे थे जून और जैन उसे वो इविल स्पिरिट ने जान से मार दिया था और ये देखने के बाद अब वो पूरी तरीके से थक चुका था अपनी जिंदगी से, जिसके बाद अब वो अपने हाथों से खुद की जान ले लेता है। अब जाके टैन को पूरा सच पता चल गया था कि आखिर अचानक से सब अपनी जान क्यों ले लेते हैं। टैन ये सब देख रहा था, इतने में हम देखते हैं कि जो उसकी बहन और टुपटिन थी वो होश में आ जाती है और वो जब देखती है कि उसके दोनों बच्चे मर चुके हैं और इसके साथ ही साथ उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी है, तो ये सब देखने के बाद वो भी डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके बाद वो भी चियाओ की तरह खुद से अपनी जान ले लेती है फांसी लगा के। लेकिन अब भी एक कहानी छुपी हुई थी जो कि हमें कुछ ही देर में पता चलेगा और वो कहानी मूवी की सबसे बड़ी ट्विस्ट होने वाली थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि टैन वापस से उसी घर से बाहर जाने की एक आखिरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वो उस घर से बाहर निकलने में फाइनली कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे वो उसी घर से बच के भाग रहा था तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और अब जाके हमें पता चलता है कि ठीक है 10 साल पहले इसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ था टैन का, जब वो बचपन में अपने घर से बाहर निकल के भाग रहा था और बाहर भागते समय तभी अचानक से उसे एक गाड़ी आके ठीक इसी तरीके से ठोक देता है और ये सीन पूरा डुप्लीकेट था जो कि 10 साल पहले हुआ था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वापस यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, यानी कि हमने जो भी अभी तक देखा था वो एक सपना था टैन का। टैन एक्चुअली उसी घर के अंदर था, वो कभी भी बाहर निकल नहीं पाया। ये सबसे हम देखते हैं कि टैन को तो पता चल चुका था कि आखिर ये सबके पीछे कौन है और तभी इसी मोमेंट में हमें वो कहानी पता चलती है जो कि मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, यानी कि जब टैन बचपन में छोटा था तो उसे इसी घर के अंदर एक खुफिया रास्ता मिला था जिसके अंदर एक फोटो फ्रेम लगा हुआ था और उसके नीचे हम कुछ कैंडल को जलता हुआ देखते हैं। यहाँ पे टैन आके अपनी बहन के लिए कुछ विशेष मांगता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो टैन की बहन टुपटिन थी वो कभी भी एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी, मतलब कि जब वो बचपन में पैदा हुई थी जो उसका फेस था वो अब नॉर्मल था, वो इंसानों की तरह बिल्कुल भी दिखती नहीं थी, जिसके वजह से उसकी बहन को काफ़ी लोग चिढ़ाते थे और ये चीज़ टैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से वो उसी खुफिया घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो उसी फोटो फ्रेम से अपनी बहन के लिए एक विश मांगता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो फोटो फ्रेम में और कोई नहीं बल्कि इसी घर की पहली ओनर थी जिसने ये घर को बनाया था, यानी कि मिस चॉम। टैन की विशेष को सुन के मिस चॉम की आत्मा उसकी बात को मान लेती है और उसके बाद जो उसकी बहन थी अचानक से उसका फेस ठीक हो गया था। लेकिन इसी वजह से हम देखते हैं कि जो चॉम की आत्मा इतने सालों से उस घर में कैद थी वो आज़ाद हो चुकी थी टैन के एक विश मांगने पर, जिसके बाद अब वो घर में वापस से वो कर्ज लग चुका था और उसके बाद जितने भी फैमिली यहाँ पे आए वो सभी को सुसाइड करके अपनी जान खुद से लेना पड़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टैन सब कुछ सही करने के लिए उसी खुफिया घर के पास जाता है जो कि वो बचपन में गया था और यहाँ पे पहुँचने के बाद वो अपनी बहन टुपटिन को देखता है जो कि चॉम की आत्मा के वश में थी। यहाँ पे टैन अपनी बॉडी के उसी कट को दिखाता है और उससे कहता है कि जो बचपन में आपने मेरे विशेष को कंप्लीट किए थे वो सभी के लिए थैंक यू, लेकिन मेरी बहन टुपटिन को छोड़ दो, ये सब में उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने विश मांगा था उसके लिए। और इस मोमेंट में हम देखते हैं कि वो जो इविल स्पिरिट थी वो इतनी भी बुरी नहीं थी, उसे बच्चे काफ़ी पसंद थे और इसी वजह से जो टैन ने विश मांगा था बचपन में उसने तुरंत वो विश को पूरा कर दिया था। लेकिन हर एक चीज़ की कीमत होती है, वो उसके विश को पूरा करने के लिए टुपटिन की बॉडी को अपने वश में कर लेती है। अब यहाँ पे टैन उसी आत्मा से अपने विश को वापस लेने के लिए कहता है और उससे कहता है कि जो तुमने मेरे बॉडी में एक कट बनाए थे वो विश पूरा होने के बाद वो अब तुम वापस ले सकती हो।
और इसके बदले अगर तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए तो तुम वो भी रख सकती हो, लेकिन मेरी बहन और टोपटिन को छोड़ दो। और यह सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि चॉम की आत्मा फाइनली फिर एक बार टैन की बातें सुन लेती है। वो एक बुरी आत्मा कभी भी नहीं थी, उसने बचपन में भी टैन की बातें माना था और अब भी वो उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाती है। और वो आखिरी बार टैन को गले लगाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चॉम की आत्मा हमेशा के लिए टोपटिन की बॉडी को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और फिर एक बार हम देखते हैं कि टैन का जो आखिरी विश था वो पूरा हो चुका था, जिसमें उसने अपनी बहन को वापस मांगा था और वो इविल स्पिरिट ने उसके विश को पूरा भी कर दिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।